चिटफंड कंपनी जी लाइफ के निवेशक आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही। जी लाइफ कंपनी के निवेशकों के अनुसार पुलिस ने कंपनी के मालिक गिरिराज पांडे को गिरफ्तार कर रखा है। वहीं निवेशकों का यह भी कहना है कि पहली एफआईआर में केवल 8 लाख रुपए का ही जिक्र है, जबकि गुना जिले से तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपए का इस कंपनी के द्वारा गबन किया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सभी निवेशकों को आश्वस्त कराया है कि 15 दिन के भीतर पुलिस कार्रवाई कर सभी निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की कोशिश करेगी। आज हम सब ये जी लाइफ इंडिया जो चिटफंड कंपनी थी, इससे पीड़ित सारे निवेशक हैं, और इसमें अभी पुलिस जो कंपनी का जो मालिक है गिरिराज पांडे, उसको पकड़ कर लाई है। तो हम सारे लोगों में एक ये थोड़ा डर था कि हमारे यहाँ पे जो निवेशक हैं, क्योंकि एफआईआर वहाँ पे कोतवाली में सिर्फ 8 लाख की है जो जिनने एफआईआर कराई, तो बाकी करोड़ों का मामला है, 20 से 30 करोड़ के करीब यहाँ गुना के निवेशकों का पैसा है, जिसमें गुना है, शिपरी है, अशोकनगर है, विदिशा है, सागर जैसे तमाम जगह से लोगों का पैसा यहाँ गुना ब्रांच थी तो यहाँ पे जमा हुआ था। तो हम एसपी साहब से ये निवेदन करने आए थे कि जो एफआईआर हुई है, या तो हम सारे लोगों के, हमारे जितने भी आवेदन यहाँ एसपी साहब को दिए, उसी एफआईआर में सारे लोगों के नाम उसमें शामिल किए जाएँ, या फिर हम लोगों की अलग से एफआईआर दर्ज की जाए। तो एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, उसमें एसपी साहब ने हमको बिल्कुल आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें और पुलिस पूरे 15 दिन में ये पूरी कार्रवाई करेगी कि जिन लोगों ने भी जो आवेदक हैं सारे लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सारे लोग जितने भी पीड़ित निवेशक हैं इस कंपनी के, सबका पैसा दिलाने के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी आज बात है।